माई चैनल। तो आज का वीडियो है ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में विच आई टोटली रिग्रेट बाइंग, जो मुझे बहुत 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 ज्यादा दुख है उस 5 प्रोडक्ट को खरीद कर, क्योंकि उसमें पैसे भी लग गए और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा होता है कि आप जब नई मॉम होती हैं तो आप एक्सप्लोर तो करती हैं, बट स्टिल बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि ऐसे प्रोडक्ट आप खरीद लेते हैं जो कि आपके बेबी के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता, या फिर जो कि आपको कभी किसी में ज्यादा पैसे लग जाते हैं, या जो भी जो बिल्कुल वर्ड नहीं होता। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूंगी कि ऐसे 5 प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं जो कि टोटली मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और मेरे ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि एज अ न्यू मदर, इनफैक्ट न्यू मदर ही नहीं, कोई भी मदर है अगर वो एक्सपीरियंस भी है, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेती हैं जिसका कि ज्यादा यूज भी नहीं हो पाता, एंड दोज आर नॉट गुड फॉर देयर बेबी। तो हम इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक इट, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है जो बहुत 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 ज्यादा दुख है मुझे लेकर, वो है एक बेदिंग कैप। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जब मैं पहले अपनी मॉम के पास थी, फर्स्ट 3 और 4 मंथ्स जब मैं वहां से आई, तो मुझे मेथा को हेड शावर देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसके कान में पानी जा रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रही थी, और वहां से मैंने अपने हस्बैंड को बोला था खरीदने के लिए, उन्होंने ये लिया प्रोडक्ट अमेजोन से। ये बहुत 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 ही ज्यादा गंदा है, आप देख सकते हो। ये एक थर्मोकॉल का मटेरियल का है, और आप आई थिंक आपको ये पिक्चर से ही देखकर लग गया होगा ये कितना लाइट है। ये किसी के भी हेड में जो है ना वो स्टेबल होएगा ही नहीं। और मेरे बेबी का हेड भी इतना छोटा था, तो आई डोंट नो ये कुछ एज कैटेगरी एज ग्रुप ऐसा कुछ दिया नहीं था, और 200 में आया है ये प्रोडक्ट। तो मुझे ये तो बहुत ही ज्यादा वेस्ट लगा, मैं यूज भी नहीं कर पाई, एंड सबसे वर्स्ट थिंग ये नॉन रिटर्नेबल है। मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली उन्होंने गलती से ले लिया, और उन्हें पता ही नहीं था कि ये नॉन रिटर्नेबल है, तो हम लौटा भी नहीं पाए। तो ये मैं सबसे टॉप लिस्ट में रखती हूँ जिसका मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है खरीद कर। तो ये मैं बोलूंगी अगर अमेजोन में, इसका लिंक दे दूंगी पर्पसफुली, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो कि खरीद लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि नॉन रिटर्नेबल है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप एक बार चेक करो ताकि आप इसे बिल्कुल ना खरीदो, ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं जो है बेबी हग का एक वाइप्स। बेबी हग, उन्होंने इवन तो उन्होंने लिखा है प्रीमियम बेबी वाइप्स है, बट पहले इसके पहले मैं हिमालय का वाइप्स यूज कर रही थी, और उसके कंपैरिजन में क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे यूज कर चुकी हूँ, तो मैं इसके बारे में अच्छे से रिव्यू दे सकती हूँ। इसको मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 वीक्स या 14 और 15 डेज से यूज कर रही हूँ। इसका जो शीट है, मैं आपको वो शीट अभी दिखा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने मेरा ये वाला अभी ओपन ही किया है, जो ओपन है ऑलरेडी, क्योंकि 2 के पैक में मैंने लिया था। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और बहुत ही ज्यादा वो जो होता ना एकदम स्लिपरी टाइप वो शीट है, जो कि क्लीन तो कर देता है, और उसके कारण ज्यादा मतलब जो स्किन में है वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मेरे बेबी को, बट स्टिल जो क्योंकि मैंने हिमालय का यूज किया, उसकी जो क्वालिटी थी आप क्वालिटी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो मुझे ये क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। ये थोड़ा चीप पड़ा है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि आप इसे बिल्कुल ना खरीदो, आप अवॉइड करो अंटिल अनलेस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज बाय गुड वन, जैसे कि हिमालय का मैंने खरीदा था, दैट वाज रियली गुड। अगर आपको हिमालय वाइप्स का डिटेल में रिव्यू चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगी, क्योंकि मैंने उसको काफी 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 दिनों के लिए यूज किया है। आई हैव यूज्ड इट फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 4 मंथ्स, मैंने 4 या 5 महीने मैंने यूज किया है। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेबी हग का एक क्लॉ डाइपर, ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे एक बेबी हग का क्लॉ डाइपर का रिव्यू दिया है, और वो क्लॉ डाइपर बहुत 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 अच्छा है। और वो खरीदने के बाद मैंने एक और लिया था, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो मैंने डाला है रिव्यू में, उसके कंपैरिजन में इस क्लॉ डाइपर का जो इनर फैब्रिक है ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, और ये एक मैक्सिमम 1 या 2 घंटे में वेट हो जाता है, तो मुझे ये उतना खास नहीं लगा। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसका आउटर, जो आउटर आप देख सकते हैं आउटर पार्ट इसका, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट थी, मैंने देखा नहीं था कि इसे लौटा नहीं सकते, तो हमें ये रखना पड़ा।
और ये मैं कभी कभी यूज करती हूँ उमेदा के लिए, तो ये भी टोटली वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि ये भी मुझे ऑलमोस्ट 460 या 461 में आया था, जितने में मुझे जो फर्स्ट वाला मेरे बेबी हक का क्लॉ डायपर था ऑलमोस्ट सेम में ही आया है। आई थिंक 10-20 रुपए का कुछ ऐसे डिफरेंस आया होगा, बट ऑलमोस्ट सेम है मैं यही बोलूंगी, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें डबल क्रॉच था यहाँ पे थाई के पास में, यहाँ पे बिल्कुल इसमें सिंगल क्रॉच है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं है, तो उसमें वो लीक बिल्कुल नहीं होता, बट इसमें कभी कभी लीक भी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बेबी हक का एक टीथर, ये देखने में काफी क्यूट है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू दे रही हूँ ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, मैंने इसे यूज किया है एंड आफ्टर दैट आई एम गिविंग दिस रिव्यू, तो आई होप यू कैन रिलेट इट। तो ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे स्पाइक्स बने हैं, मुझे ये जब इसका मैंने इमेज देखा था मुझे इमेज देख के बिल्कुल भी पता नहीं चला था, इसलिए मैंने ले लिया था और क्यूट था और ये एक रैटल टॉय की तरह काम करता है, ये थोड़ा आवाज करता है, तो इसलिए मैंने लिया था ये मेधा के लिए ताकि वो अगर बाइट करना चाहे तो बाइट भी करे और इसके साथ वो खेल भी सके। लेकिन ये जो आप देख सकते हो ना स्पाइक, आई थिंक इसकी वजह से वो मुंह में नहीं डालती, वो मुंह में डालती भी है तो इस तरफ डालती है, वो इधर नहीं डालती, इधर इधर आप देख सकते हो इसमें आई थिंक ये डिस्टिल्ड वाटर होता है इसके अंदर, तो इधर वो नहीं डाल पाती क्योंकि ये बिल्कुल ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हार्ड है। इसके पहले मेरे पास एक मॉडिसन का एक टीथर था जो मेरी सिस्टर ने दिया था मेधा को, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था और बहुत अच्छा था और वो इसके कंपेरिजन में चीप भी था, बट वो काफी दिनों तक आई थिंक 1-2 महीने कुछ ऐसे यूज किया मेधा ने और वो काफी ज्यादा मुंह में डालती, तो मैं प्लानिंग टू बाय दैट वन ऑल्सो, अगर उसके बारे में अगर आपको अगर चाहिए डिटेल तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये प्रोडक्ट नॉट टू बाय। लास्ट प्रोडक्ट आता है, ये है पैम्पर का एक प्रीमियम डायपर जो मैंने लिया था और इसका प्राइस है पर डायपर 13 रुपीज, जो कि बहुत 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 ज्यादा है, पर नॉर्मल वाले डायपर जब यूज करी थी तो मेधा को थोड़े बहुत रैशेज आते थे, तो इस चलते मैंने ये वाला खरीदा था कि हो सकता है ये यूज करके मे बी उसके रैशेज जो है वो थोड़े कम हो जाए, लेकिन वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ एंड वेन कम्पेयर टू प्राइस ये मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, तो आई रिग्रेट बाइंग इट। तो मुझे लगा कि इसके जगह पे मैं नॉर्मल वाला अगर डायपर यूज करती वो भी सही रहता, और मैं बहुत जल्द ये प्रीमियम डायपर है और जो नॉर्मल पैम्पर्स का डायपर है ये दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो भी लाने वाली हूँ, वो मैं आपको जल्दी ही इसका वीडियो डाल दूंगी, अपलोड करूंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे मेरे चैनल को। तो ये लास्ट प्रोडक्ट है, आप इसे चाहें तो आप खरीद सकती हैं, आप अगर मे बी आपके बच्चे को सूट करे, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है, बट पर्सनली आई टोटली रिग्रेट बाइंग इट। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे मेरे लिस्ट, 5 प्रोडक्ट जो कि आई टोटली रिग्रेट बाइंग इट, तो मैं बिल्कुल आपको ऐसा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसे अवॉइड करें खरीदना, कि अगर आपने खरीद लिया है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें ताकि जो भी न्यू मदर है और जिन्होंने ये प्रोडक्ट लिया नहीं है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।